बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मिस नाजिया चाचर, लेक्चरर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज टंडो आदम। टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स और बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस टॉपिक इज कंसर्न विद इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर आर्ट्स कॉमर्स and BA part 1 and BCom part 1 also. These four groups can avail this knowledge. Here I will prefer deliver my lecture in Urdu. So all groups and other common people, they want to get knowledge of economics, can understand easily. So let's move to introduction. Introduction to economics. Here are the topics. The topics included in my lecture are related to first year arts and first year commerce syllabus. Also good know-how for the degree classes and for those they have different discipline but want to know about economics. This lecture is also beneficial for all those students they are in economic discipline at any stage. Means they are in a graduation, they are a postgraduate, or they are preparation for the commission. So let's start. Introduction to economics. Economics is about our basic problem of economics. Economics hai kya? Economics is about ye kis bare mein hai? Ya aam fehm zaban mein hum ye keh sakte hain ke ye kis masle ke bare mein hai? Iska masla kya hai? Origin of ट्रम इकोनॉमिक्स। ये ट्रम जो इकोनॉमिक्स है ये ओरिजिनेट किस लैंग्वेज से हुई है? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी फाउंडेशन कब हुई? डिस्कवरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको दरियाफ्त कब किया गया? एंड डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हम इसमें डिस्कस करेंगे। The first definition by Professor Adam Smith, classical expert हैं ये, और इनकी पहली पहली दी गई definitions को हम discuss करेंगे। Criticism on Smith's definition, Professor Adam Smith की definition पर criticism भी हुआ है, यानी तनकीद हुई है, उसके बारे में हमें जानना है क्यों हुई, किसने की। और second one है the definition by Professor Alfred Marshall, neoclassical expert, ये neoclassical expert हैं, इन्होंने second definition दी है economics के बारे में। Difference between classical and neoclassical experts or their views. बहुत से students ऐसे हैं जो अक्सर ये सवाल करते हैं कि मैम classical and neoclassical में हमें बड़ा मसला होता है, क्यों classical कहा जाता है, neoclassical का मतलब क्या है? So इंशाल्लाह हम इसमें ये भी discuss करेंगे। MCQ related to the discussed above topics. मैंने आपसे कहा था कि commission के बच्चे हैं या first year inter, first year के फर्स्ट ईयर कॉमर्स फर्स्ट ईयर आर्ट्स की जो बच्चियाँ जो पेपर देंगी तो उसमें MCQs आते हैं। जो हमने ऊपर टॉपिक डिस्कस किए हैं मैं आपको इसके MCQs के बारे में भी यही बताती चलूँगी ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि इससे रिलेटेड आपको किस तरह के MCQs आ सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, तो इस वजह से ये अच्छी बात है कि जो डिग्री क्लासेस या कमीशन प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा। थर्ड वन जो हमारी स्लाइड है ये है इकोनॉमिक्स इज अबाउट। अब मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स किस बारे में है, तो डायरेक्टली अगर हम इसके बारे में जानना चाहें, मैं आपको सुपरफिशली बताना चाहूँ तो ये इट्स डायरेक्टली अबाउट वेल्थ। ये इकोनॉमिक्स जो है वो दौलत के बारे में है। द सेकेंड नेम ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। इसका दूसरा नाम अगर इकोनॉमिक्स का पढ़ा जाए तो आपको मिलेगा कि ये स्टडी ऑफ वेल्थ यानी दौलत का इल्म है। तो ये दौलत के बारे में है। एक्चुअल बात ये है कि इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम अगर दौलत का इल्म है
इसलिए वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो इस इल्म से, इस स्टडी से ज़रूर इस्तफादा करें। ये एक हकीकत है कि आज तक दुनिया में जितने भी ममालिक ने तरक्की की है या इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है या वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, तो उन्होंने डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से ही मदद दी है। और मज़े की बात यह है कि जिस सब्जेक्ट का दूसरा नाम दौलत का मुताला हो तो उसमें आपको अमीर बनाने की खसूसियात ज़रूर मौजूद होंगी। हाँ, यहाँ कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इसका जिसमें आप एकदम से अमीर हो जाएं, बट दीज आर सम प्रिंसिपल्स और लॉज आर देयर, कुछ ऐसे कवानीन हैं, कुछ ऐसे उसूल हैं जो कि इस सब्जेक्ट में मौजूद हैं, जिनको प्रॉपरली फॉलो करने के बाद आप यकीनन इंशाल्लाह जो हैं वो अमीर बन सकते हैं। चलें तो आगे देखते हैं कि इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है बेसिक नीड्स। ये इकोनॉमिक्स हमारी बेसिक नीड्स के बारे में। अब बेसिक हमारी नीड्स क्या हैं? बेसिक नीड्स वो हैं जिनके बग़ैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी बुनियादी ज़रूरियात। ये मैं चाहूँगी कि आप मेरे लेक्चर के दौरान इसको थोड़ा सा नोट करते जाएं या अगेन से दोबारा इसको सुन लीजिएगा, ताकि आपको ये याद हो जाए कि किस कैटेगरी में क्या चीज़ें आ रही हैं और ये किस तरीके से होंगी। तो बेसिक नीड्स जो हैं वो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं। बुनियादी ज़रूरियात का मतलब है कि वो ज़रूरियात जिनके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, हमारी बुनियाद कायम नहीं रह सकती। वो क्या है? और उसके बाद है नेसेसिटीज़, हमारी ज़रूरियात। ज़रूरियात उसके बाद सेकेंड कैटेगरी है, एंड थर्ड वन कम्फर्ट्स, वो चीज़ें जो हमें आसाइशें मुहैया करती हैं। नंबर फोर्थ वन इज़ लग्जरीज़। लग्जरीज़ वो हैं जो कि ताइशाती चीज़ें होती हैं, वो हम इसके बारे में। अब नंबर वन के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक नीड्स क्या हैं। जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, जो हमने फोर्थ स्लाइड में बेसिक नीड्स पढ़ी हैं, उसमें बेसिक नीड्स हैं क्या? एक्चुअली बेसिक नीड्स वो हैं जिनके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव मीन्स हम नहीं, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो। तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स में नंबर वन है आपके पास फूड, नंबर टू इज़ क्लॉथ, नंबर थ्री इज़ शेल्टर। तो लाजमी सी बात है कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर सर्वाइवल मुश्किल है। और इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो यही है कि उसने सबसे पहले इन बेसिक प्रॉब्लम्स पर काम किया है कि इनको किस तरीके से, बेसिक प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए या बेसिक नीड्स हमारी किस तरीके से पूरी की जाए। और बेसिक इसके फिफ्थ वन जो हमारी स्लाइड है इसके आगे वो है नेसेसिटी, अबाउट नेसेसिटीज़। ज़रूरियात का मतलब है कि वो चीज़ें जिनके बग़ैर हमारा गुजारा करना, ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट सर्वाइव विदाउट दीज, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपकी मेडिसिन है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम घर के हवाले से देखें, हमने ज़िंदा रहने के हवाले से देखें, तो हमारे घर में जो आसपास हमारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बगैर हमें मुश्किल हो रही है ज़िंदा रहने में या ज़िंदगी गुजारने में, तो वो बेड, साइकिल, पोर्ट्स, हैंड वाटर पम्प, वाटर कूलर, अब ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ कम हो जाती हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद हों तो जो है थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब इसकी थर्ड कैटेगरी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, वो है कंफर्ट्स। कंफर्ट्स वो हैं जो कि मेक लाइफ इजी। कंफर्ट्स आपकी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाने के लिए हैं, यानी अगर नहीं होंगी मुश्किल होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। नेसेसिटीज़ का मतलब है ज़रूरियात जिनके बग़ैर आप ज़िंदगी जब गुजारें तो आपको मुश्किल फील हो रही हो। तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, जैसे वहाँ पर अगर वाटर कूलर है तो यहाँ रेफ्रिजरेटर है, वहाँ साइकिल है तो हम चाहेंगे मोटरसाइकिल होनी चाहिए, हैंड वाटर पंप है तो हमारे पास वाटर पंप मशीन हो, टेलीविज़न हो, ड्रेसिंग टेबल हो, सिक्ट्रास, ये सारी तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, आसाइशें मुहैया करती हैं। वो कि इस वक्त में हम ये समझते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी ज़रूरियात हैं। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि आपको सेंस देता है कि आप
अपनी बुनियादी ज़रूरियात आसाइश और लग्जरीज में डिफरेंस कर सकें। आजकल के बच्चों से ज़रूरत पूछी जाए तो वो एकदम ये रिप्लाई करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको किस चीज़ की है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत मोबाइल की है, मोबाइल के बगैर हम जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, टीवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो चीज़ें नहीं है, ये आपको जब आप एनालाइज करेंगे अपनी ज़िंदगी का दर हकीकत, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वाकई बेसिक नीड्स हमारी क्या हैं। बेसिक नीड्स और ज़रूरियात में आप डिफरेंस करेंगे, फिर ज़रूरियात और आसाइश में आपको डिफरेंस करने में जो है वो आसानी होगी। उसके बाद हाँ, उसकी जो कैटेगरी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, वो है लग्जरीज। लग्जरीज वो है मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल, यानी वो चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पुर आसाइश बनाती हैं, ताइशाती चीज़ें। ताइश इज़ ड्राइव फ्राम एश व इशरत, यानी वो चीज़ें जहाँ आप बाकायदा आरामदेह ज़िंदगी गुजारें, उसमें एयर कंडीशन है, लग्जरी कार है आपके पास, लग्जरी बंगलो है, एब्रॉड टूर है, लैपटॉप है, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन है, ये भी आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ है जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि मतलब लग्जरीज में शामिल हो सकता है। लग्जरी मोबाइल फ़ोन आपके पास कोई ऐसा है, तो आप ये हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लग्जरियस बना देती हैं। और देखा जाए तो ये सारा प्रॉब्लम घूम फिर के आपकी वेल्थ से रिलेटेड करता है, दौलत से रिलेट होता है, और दौलत के बाद जो है वो आप क्या चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, बेसिक नीड्स जब आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, तो नेक्स्ट वन आपका हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी नेसेसिटीज़ की तरफ जाएं। जब हम हमारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं तो हम नॉर्मली अपने कंफर्ट्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें अब होनी चाहिए। जब हमारे ये कंफर्ट्स भी पूरे हो जाते हैं तो हम लाजमी तौर पर लग्जरीज की तरफ जा रहे होते हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा जो है वो पुरासाइश बना सकें। अब अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखा जाए कि इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है क्या, अगर हम ये कहें इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट आवर लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये बात सही होगी, क्योंकि अगर उसका प्रॉब्लम दौलत है, अगर ये सारी चीज़ें दौलत के बाद ही हमें सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं और हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे हैं, बेसिक नीड्स के बाद, नेसेसिटीज़ के बाद, कम्फर्ट्स के बाद, लग्जरीज के पास जा रहे हैं, इट मीन्स हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने जा रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक्स है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में है कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद ह्यूमन वांट्स। अब अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करके आए हैं, हम अपनी ज़रूरियात, बेसिक नीड्स, लग्जरीज के बारे में सब कुछ कहकर आए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारी हमारी ख्वाहिशात थी, पीछे हमारी बेसिक नीड्स थी, उसके बाद वो सारा एक ख्वाहिशात का दांता बच जाता है जिसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि अब हम इससे और ज़्यादा चाह रहे हैं, अब हम इससे जो है वो आगे की सोचते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद ह्यूमन वांट्स, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक्स हमारी इंसानी ख्वाहिशात या उसकी डिज़ायर के साथ कंसर्न है, नॉट ओनली वांट्स बट मल्टीप्लिसिटी और अबंडेंस ऑफ वांट्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब ये देखें, ना सिर्फ इकोनॉमिक्स आपकी ख्वाहिशात के साथ बंधी हुई है, बट आपकी बेहद मल्टीप्लिसिटी ऑफ और अबंडेंस ऑफ वांट आपकी लातादात ख्वाहिशात हैं एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट मसला क्या है कि आपके पास इन सब चीज़ों को पूरा करने के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। स्कार्सिटी मींस किल्लत, किल्लत इज़ ड्राइव्ड जो है वो फ्रॉम कलील, कलील माने कम। तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास बहुत कम होते हैं, लेकिन आम तौर पर हमारे पास ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ही हम कोशां होते हैं। तो अगर और ये सारी ख्वाहिशात आपकी जो ताल्लुक़ रखती हैं वो सारी की सारी आपकी दौलत के साथ कंसर्न करती हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स को दौलत का इल्म कहा जाए तो भी ये गलत नहीं है, यानी ये बिल्कुल सही टर्म यूज़ की गई है कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ वेल्थ। अब हमारी हेडिंग में ये भी शामिल था कि ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स। अगर हम ये देखें कि जो देखें स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं, मोस्टली होती हैं, तो उसमें क्या है, साइंस है उसकी एक अपनी टर्म्स हैं, फिजिक्स है उसकी अपनी टर्म्स हैं, केमिस्ट्री की हैं, इस तरीके से इकोनॉमिक्स में भी कुछ टर्म्स हैं। अब वो किस लैंग्वेज से लिया गया है नाम और उसका मतलब क्या है, उससे फिर आपको आसानी हो जाती है उसको समझने में, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम या उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम
को जब आप समझ लेते हैं तो उससे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उसको पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स में है, टू ग्रीक रूट्स ऑफ द वर्ड्स इकोनॉमिक्स आर ओइकॉस मीन्स हाउस होल्ड। अब ये दो वर्ड्स से, ग्रीक वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना है, और इसके पहले ओइकॉस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नॉमस मीन्स सिस्टम। अब हाउस होल्ड जो मैनेजमेंट है उसको इकोनॉमिक्स अगर कहा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट हम सबको करना होती है, चाहे वो बॉयज़ स्टूडेंट्स हों चाहे वो गर्ल्स हों। अगर इकोनॉमिक्स वो पढ़ रही हैं तो उन्हें एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो टेक्निक आ जाती है इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद कि वो अपने हाउस होल्ड को किस तरीके से मैनेज करें, या अगर बॉयज़ हैं तो वो भी, उनको मैनेजमेंट में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखें ये छोटे लेवल पर हाउस होल्ड हम यहाँ कह रहे हैं, बट आगे देखें कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट ओकिनोमिया और ओकिनोमस मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद द ग्रोथ ऑफ ग्रीक सोसाइटी। जब कदीम यूनानी जो दौर है उसमें जब थोड़ी ग्रोथ हुई तो अनटिल इट्स डेवलपमेंट इनटू सिटी स्टेट्स, इसकी मीनिंग इस तरह से की गई कि ये जो है द वर्ड बिकम नोन एज स्टेट मैनेजमेंट। देखें इसमें क्या डेवलपमेंट हुई कि इसको बाकायदा स्टेट मैनेजमेंट का नाम दिया गया इकोनॉमिक्स को, यानी आप हाउस होल्ड लेवल पर नहीं बल्कि अगर आप कंट्री लेवल पर देखें, स्टेट लेवल पर देखें तो उसकी मैनेजमेंट भी इसी मुआशियात में ही शामिल है। द टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड पर्टेन्स टू माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वाइल द स्टेट मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैक्रो इकोनॉमिक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा आगे हम इंशाल्लाह माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने भी इसको डिवाइड कर दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट है तो वो छोटे लेवल पर है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो फिर ये स्टेट मैनेजमेंट की तरफ चली जाती है। ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल आपको ये इतना मालूम है ये काफ़ी है। हु इज़ फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स? अच्छा आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है। वेन वॉज इकोनॉमिक्स डिस्कवर्ड? दिलचस्प बात है कि आखिर इकोनॉमिक्स को दरियाफ्त हुए कितना अरसा हो चुका है, ये बहुत अहम बात है। और इसको जो, इसके जो फाउंडर हैं, इसको जो दरियाफ्त करने वाले हैं वो कौन थे, जिन्होंने इकोनॉमिक की जो है वो बेस रखी वो कौन थे, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो द फाउंडर और द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अब इन्हें ना सिर्फ फाउंडर बल्कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, जो कि क्लासिकल एक्सपर्ट कहलाते हैं। ये हैं प्रोफेसर एडम सिमथ। आप इसका जो मैंने इमेजिनरी ये जो पिक है इमेजेस ये भी लगाए हुए हैं ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए कि याद हो जाए आपको। एडम सिमथ हैं, ये 1723 में इनकी पैदाइश हुई, 1790 में डेथ है। स्कॉटिश फिलासफर ये जो थे वो स्कॉटिश फिलासफर थे। कंट्री ऑफ नेशनलिटी इनकी स्कॉटलैंड से इनका ताल्लुक था। प्रोफेशन इनका एक फिलासफर एंड इकोनॉमिस्ट, ये इनके प्रोफेशन थे। और डेफिनेशन जो इन्होंने दी वो साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत अहम बात है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा। साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? अगर हम उर्दू में देखें तो दौलत की साइंस है, लेकिन अगर स्टडी ऑफ वेल्थ है, अगर साइंस ऑफ वेल्थ है तो दौलत की साइंस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स अगर दौलत की साइंस है तो साइंस का मतलब क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए साइंस का मतलब क्या है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि दौलत की साइंस क्या होती है। तो साइंस को देख लेते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अब देखें साइंस क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप आइडेंटिफाई करते हो, पहले ऑब्जर्व करते हो, फिर उसकी शनाख्त करते हो, उसको डिस्क्रिप्शन बनाते हो उसकी, एक्सपेरिमेंट करते हैं आप, फिर हम क्या करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेट बाकायदा उसको करके, एनालिसिस करके फिर एक प्रूफ हो जाती है एक थ्योरी और हम उसे एक्सप्लेन करते हैं एक नॉर्मल फिनोमेना में। तो अगर इन सारी चीज़ों को वेल्थ से रिलेट किया जाए तो वेल्थ की ऑब्जर्वेशन होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी उस पर बाकायदा पूरी रिसर्च हुई है, उसके बाद जो है ये इकोनॉमिक्स को बनाया गया है। अब प्रोफेसर एडम सिमथ ने उसे साइंस ऑफ वेल्थ कहा और साइंस का मतलब ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं आपके सामने जो हैं, तो इसमें जो है वो वेल्थ
साइंस ऑफ वेल्थ कैसे होगा, ये ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, ये सारी वेल्थ में कैसे फिक्स होंगी। तो अब उसका जवाब ये है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जब इसका बुनियाद रखी इसकी, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि उन्होंने इंक्वायरी की जो अक्वाम हैं उनकी दौलत का मुताला किया कि आखिर उनके पास किस टाइप की नेचर एंड काजेज, किस टाइप की उनके पास दौलत मौजूद है और उसकी वजूहात क्या क्या हैं। लेकिन ये वही फिर तकरीबन साइंस वाली ही बात हो रही है। अगर आप इसका उर्दू में ट्रांसलेट करें एन इंक्वायरी इंटू नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसका होगा अक्वाम की दौलत की नौयत और असबाब या वजूहात का तहकीकाती मकाला। इसको अगर हम उर्दू में देखेंगे तो हमें ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी कि उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने बाकायदा अक्वाम की दौलत की नौयत को देखा कि आखिर किस टाइप की दौलत उनके पास मौजूद है, जो मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उनके पास किस टाइप की दौलत है। फिर उसके काजिज यानी नेचर हो गई, अब काजिज असबाब आखिर क्यों हैं उनके पास ये तमाम दौलत जो है वो उसकी वजह क्या है, नेचुरली है, उन्होंने खुद से उसमें कोई अमेंडमेंट की है, क्या वजूहात हैं, उस पर उन्होंने बाकायदा एक तहकीकाती मकाला लिखा, एक बुक लिखी और वो जो अमल में आई वो थी 1776 में। उन्होंने इसमें क्या है कि एडम स्मिथ हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। ही डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच इंक्वायरीज इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ही एम्फेसाइज द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ वेल्थ एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया, ग्रोथ ऑफ वेल्थ पर। ग्रोथ ऑफ वेल्थ के जो मुख्तलिफ अकवाम थी उनके पास किस वजह से दौलत मौजूद थी और वो किस टाइप की थी, उन्होंने इस पर बाकायदा तहकीक की। यानी ये आप समझें कि इसने तहकीक करके इसको ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंटल उन्होंने देखा किस तरीके से वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से अमल में आए, कैसे उन्होंने तरक्की की, या जो मुल ममालिक तरक्की नहीं कर पा रहे थे वो क्यों नहीं कर पा रहे थे, और जो तरक्की याफ्ता थे वो क्यों तरक्की याफ्ता थे, उनके पास किस टाइप की दौलत थी और वो उसके ज़रिए से किस तरीके से तरक्की कर रहे थे। अब सिम्स आइडिया रिगार्डिंग वेल्थ, प्रोफेसर एडम स्मिथ का जो आइडिया था, जो उनकी सोच थी वेल्थ के बारे में, वो ये थी जो कि उन्होंने अपनी बुक में भी मेंशन करवाई। एडम स्मिथ क्लासिफाइड हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इनटू 4 डिवीजन्स। उन्होंने अपनी बुक को 4 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 उसमें था प्रोडक्शन, आखिर दौलत को पैदा किस तरह से किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, किस तरीके से प्रोड्यूस की जाए। नंबर 2 था कंजप्शन, आपके पास दौलत बन गई, मौजूद है, तो उसकी उसको कंज्यूम करने के भी कुछ उसूल हैं, उसको खर्च कैसे किया जाए। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको किस तरीके से तकसीम किया जाए। और नंबर 4 एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, आपके पास मौजूद है अगर दौलत कहीं भी, या आपने बना ली है, तो उसको एक्सचेंज, रद्दो बदल उसका कैसे किया जाए। ये उन्होंने अपनी बुक में बाकायदा तरीके से इसको मेंशन किया है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई प्रोफेसर एडम स्मिथ की, जो उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में दी कि ये इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है और इसका जो ताल्लुक है वो है 4 तरीकों से ये एम्फेसिस करती है, डील करती है इसको, प्रोडक्शन के हवाले से, कंजप्शन के, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। अब आती है बारी इसकी क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म ऑन स्मिथ डेफिनेशन। आखिर क्या मसला हुआ, क्या बात हुई, या किसने प्रोफेसर एडम स्मिथ की दी हुई डेफिनेशन पर तनकीद की, मसला ये है। तो अब आप ये देखें कि इकोनॉमिक्स की जो दरियाफ्त है, जो डिस्कवरिंग है, वो कब हुई है। डिस्कवरी इसकी हुई है 1776 में। अगर मैं आपको ये टास्क दूं कि मुझे बताएं 8 दिन तक इकोनॉमिक्स को दरियाफ्त हुए कितने साल हो चुके हैं, तो आप इसका 1-2 मिनट में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17th century के बाद हम इस दौर में हैं, तो कितना टाइम इसे हो चुका है दरियाफ्त हुए।
यानी मेरा कहने का मकसद है कि अगर हम यहाँ 20वीं 21वीं सदी में चल रहे हैं तो यहाँ का जो थॉट्स हैं अब मॉडर्न थॉट्स हैं, बहुत चेंज हैं। प्रोफेसर एडम स्मिथ की क्रिटिसिज्म, जो डेफिनेशन पर क्रिटिसिज्म हुआ, उसका मेन रीज़न ये था कि एक तो वो सदी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, 17th century, ठीक है, उसमें लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, जिस तरह से हम देखते हैं अपने यहाँ कि आजकल के जो लोग हैं, जैसे हम न्यू जनरेशन है, वो कम रिलीजियस है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो आपका, चाहे हम मुसलमान हैं या डिफरेंट डिफरेंट मज़ाहिब हैं, उनका ताल्लुक़ आप देखें कि वो अभी इस टाइम में थोड़ा सा पहले के लोगों के मुकाबले में रिलीजियसली थोड़ा सा कम है, और हमारे जो वालदेन हैं वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ज़्यादा हैं। हमारे जो आबा अजदाद, दादा थे, दादी थे, परदादी, नाना नानी, परनानी, ये सब लोग ज़्यादा इबादत गुजार थे, उससे पहले के लोग उनसे भी ज़्यादा इबादत गुजार थे। तो अब अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि जितना हम पीछे जाते हैं उतने लोग मज़हब से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। तो अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि 17th century में जब एक ऐसा इल्म ईजाद हुआ जिसका मतलब दौलत का इल्म है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त के रिलीजियस माइंड लोग जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि एक इल्म है जो कि दौलत का इल्म है और हमें उसको अवेल करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम अपने नॉर्मल घर में अगर इस दौर में अगर हम मौजूद हैं और यहाँ हमारा कोई भी छोटा भतीजा है, भतीजी है या कोई बच्चा है, वो आपके सामने आपके घर में कोई ऐसी डाइजेस्ट, कोई ऐसी बुक लेके बैठा है जिसका नाम होता है दौलत, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, अगर वो दौलत पढ़ रहा है तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इसके बारे में क्या होता है कि मतलब हमारे माथे पे शिकन आ जाती है। हम ये सोच रहे होते हैं कि दौलत के बारे में पढ़ा है, इट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग इज देयर, कुछ इसमें गड़बड़ होगी ना। हमें ये जहन में नहीं आता कि बहुत वाइड कॉन्सेप्ट और ये और वो, हम कहेंगे कि ये जो है, या कोई आम इंसान दौलत के बारे में पढ़ा होता है तो हम थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये मतलब इस मॉडर्न दौर में भी हम थोड़ा सा इस बात को सोच रहे होते हैं कि ये डायरेक्टली दौलत के बारे में पढ़ा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा। तो वो दौर जो कि 17th century का दौर था, उस दौर में जब प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ वेल्थ, ये दौलत का इल्म है, तो उन दिनों के जितने भी स्कॉलर्स थे, रिलीजियस स्कॉलर थे या सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने इसको एकदम से गलत इम्पेक्ट में ले लिया। गलत था नहीं, वो इसकी पूरी बात को समझ नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ उसको पहला जो क्लॉ होता है उस पर हम जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे होते हैं, उसको ज़्यादा गौर से देख रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। तो उसमें जो है वो क्रिटिसाइज्ड क्या हुआ, क्रिटिसाइज दिस डेफिनेशन बाय सम रिलीजियस स्कॉलर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स, फर्स्टली कार्लाइल एंड रस्किन डिक्लेयर इट्स अ डिसमल एंड पिग साइंस। कार्लाइल और रस्किन ने ये कहा लोगों से कि ये जो मुआशियात ईजाद हुई है ये एक जो है वो डिसमल मींस होता है मायूसकुन, ये एक मायूसकुन साइंस है, या एक पिग मींस खनाजीरी इल्म जिसे कहा जाए ना, खनाजीरी साइंस है ये एक, तो विच टीच सेल्फिशनेस, जो कि आपको खुद गर्जी, खुद परस्ती सिखाएगी, प्रीचर एंड टीचर ऑफ वर्शिप ऑफ वेल्थ, जिससे ना आप जो हैं वो दौलत के पुजारी हो जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा गलत इम्पेक्ट लोगों पर पड़ा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंड थे, उन्होंने जब दौलत की बारे में सुना या दौलत का कोई इल्म है उसको पढ़ना चाहिए या उसको पढ़ें, तो उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए और उन्होंने इस इल्म को पढ़ना प्रीफर नहीं किया। तो ये क्रिटिसिज्म था प्रोफेसर एडम स्मिथ की डेफिनेशन पर। वो के प्रोफेसर एडम स्मिथ जो थे वो अपनी जगह दुरुस्त थे, मसला क्या था, उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी थी, इस वजह से लोग उनके खिलाफ हो गए। अब नेक्स्ट वन, क्रिटिसिज्म कंप्लीट हो गया। अब है कि क्रिटिसिज्म में की वजूहात क्या क्या थी। वजूहात ये थी, इनफैक्ट स्मिथ डेफिनेशन वाज मिस इंटरप्रेटेड एंड मिस अंडरस्टूड। मसला ये हुआ कि उसको समझ नहीं सके लोग, उसकी इंटरप्रेशन जो इंटरप्रिटेशन हुई वो बहुत ज़्यादा गलत हो गई, एंड इट वाज अ रॉन्ग टर्न, उसने उसकी वजह से उसका जो टर्न हुआ वो गलत जो है वो उसमें हो गया। एंड इट वाज इम्प्रेस्ड दैट द स्मिथ रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन एज अगेंस्ट वेल्थ। अब मसला ये हो गया कि इकोनॉमिक्स के बारे में जो उन्होंने डेफिनेशन दी, लोगों ने ये सोचा कि इसमें इंसान की अहमियत नहीं है, सिर्फ
दौलत की अहमियत है, यानी दौलत को पढ़ने का मतलब ये है कि आप सारा दिन दौलत के बारे में सोचते रहें, दौलत का इल्म हासिल करें, दौलत कैसे कमानी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने सोचा कि इसका रिलेशन इंसान से कम इस इल्म का और दौलत से ज़्यादा है। वेल्थ इज़ फॉर मैन, नॉट द मैन इज़ फॉर वेल्थ। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ बस जो अहमियत है ज़्यादा, वो उन्होंने गलत सोच लिया, क्योंकि उन्होंने कहा वेल्थ इज़ फॉर मैन, नॉट द मैन इज़ फॉर वेल्थ। उन्होंने कहा कि बस इंसान सिर्फ दौलत के लिए पैदा हुआ है और वो दौलत के ही पीछे जाएगा। ये नहीं है कि दौलत इंसान के लिए है और एम्फेसिस जो है वो इंसानी ज़रूरियात पर है या उसकी जो है वो लाइफ पर है। उन्होंने ये नहीं सोचा, उसका थोड़ा उन्होंने गलत इम्पेक्ट ले लिया। टू मच इम्पोर्टेंस नंबर वन। अब इसकी अगर हम वन बाय वन देखें इसे, तो क्या हुआ, टू मच इम्पोर्टेंस टू वेल्थ। उन्होंने वेल्थ का जिक्र पहले कर दिया, इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सारी दौलत को मिल गई उनकी डेफिनेशन में, नैरो मीनिंग ऑफ वेल्थ। दूसरा मसला ये था कि लोग बहुत इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंड थे, तो उनको दौलत का मतलब समझ में नहीं आया, दौलत क्या है, दौलत की मीनिंग उनके जहन में बहुत तंगदस्ती से, उन्होंने दौलत समझा बस पैसा पैसा, बस सिर्फ पैसा है, ये है मतलब दौलत का कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। वो ये नहीं समझ पाए कि जो दौलत कमाने वाला इंसान है वो किस रीज़न से, किस वजूहात की बिना पर दौलत कमाने के लिहाज से सोच रहा है, उसे सोचना चाहिए, यानी कौन से लोग हैं जो दौलत कमाने के बारे में सोचते हैं, वो अपनी ज़रूरियात के बारे में सोचते हैं, वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आया, नहीं आई। नो मेंशन ऑफ मैंस वेलफेयर। उन्होंने ये भी नहीं सोचा, ये उसको उनको ये नज़र नहीं आया डेफिनेशन में कि इसमें इंसान की फलाह बहबूद की कोई बात नहीं, उनको डेफिनेशन में ये बात नज़र नहीं आई, इस वजह से उन्होंने इसको प्रीफर नहीं किया इसको पढ़ना। इट डजेंट स्टडी मीन्स, मीन्स माने होता है ज़राए, तो ये जो इल्म है ये ज़रायों की तो यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये जो इल्म है वो बिल्कुल सही नहीं। ये इसके पॉइंट्स थे जो कि क्रिटिसिज्म के हवाले से आपने एनी हाउ मेंशन करने हैं जब आपके क्वेश्चन में क्रिटिसिज्म आता है एडम स्मिथ की डेफिनेशन पर। अब सेकंड वन डेफिनेशन आई जो कि दी मिस्टर जो हैं प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल ने, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं ये वेस्टर्न जो हैं वो फिलासफर थे 19th सेंचुरी में, जो है वो इन्होंने अपनी फिलासफी दी, ने जो बर्थ है इनकी वो 26 जुलाई 1842 में है, लंदन से इनका ताल्लुक था, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने बुक लिखी और इन्होंने उसको अगेन से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। जब उन्होंने देखा कि लोग इस इल्म को, इतने अहम इल्म को पढ़ने के लिए जो है वो इसकी तरफ नहीं आ रहे, राज़ी नहीं हैं, तो उन्होंने उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया और ये कहा कि इकोनॉमिक्स इज़ ए स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, यानी इकोनॉमिक्स जो है मुआशियात है, मादी फलाह का इल्म है। इनको पायनियर न्यू क्लासिकल भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये उस दौर के पहले जो है वो इकोनॉमिस्ट थे, फिलासफर थे, जिन्होंने इस मुआशियात को पढ़ने के लिए लोगों को राज़ी किया, क्योंकि लोग रिलीजियस माइंड थे और दौलत का नाम सुनकर उनके जहन में गलत जो है वो इम्पेक्ट पड़ गया था। तो प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल का एक बहुत बड़ा कारनामा ये माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी जिसकी वजह से लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ इस इल्म को पढ़ने लगे, जिसमें उन्होंने कहा अल्फर्ड मार्शल स्ट्रेस दैट द मेन बिहेवियर एंड एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, वेल्थ इज नॉट एन एंड और फाइनल एम। अब उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो मेंस दैट द मेंस बिहेवियर एंड एक्टिविटीज, कि इंसान जो भी अपना बिहेवियर इख्तियार करता है, जो भी एक्टिविटीज सरगर्मियां करता है टू प्रोड्यूस एंड कंज्यूम मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स, वो कुछ चीज़ें बनाता है या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्योंकि उसे दौलत कमाना होती है, प्रोड्यूस करना होता है, फिर उसे उसे खर्च करने का भी जहन में होता है कि मैं इस चीज़ के लिए कमाऊँगा। आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, वेल्थ इज नॉट एन एंड, तो उसका मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं होता कि वो सिर्फ फोकस स्टडी जो है फोकस करे सिर्फ
दौलत पर, उसका मेन फोकस होता है कि वो अपनी कंजप्शन करे, अपनी जितनी भी उसकी ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए, और द फाइनल एम बट ओनली अ मीन्स टू अचीव अ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर। उसका मेन मकसद ये होता है कि वो अपना जो उसके पास ज़राए हैं उनको इस हासिल करते हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए मेनली अपनी फलाह के लिए काम कर सके। देखें, अपनी फलाह के लिए काम से मुराद ये नहीं है कि आप खुद अपना पेट भरना, खुद अपने लिए कमाना, खुद अपना लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना, ये भी अपनी भलाई करना भी एक फलाह है। ये नहीं कि हम खुद को छोड़ दें, फलाह सिर्फ वो है जहां हम लोगों की जाके मदद करें उनको, या चैरिटी करें, या हम ज़कात दें, सदकात दें, बाहर जा रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं या वैसे दे रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। बात ये है कि अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाना, अपने लिए अपने घर को बूस्ट करना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, बहन भाइयों को, औलाद को पालना, उनको अच्छा स्टेटस देना भी वेलफेयर में शामिल होता है। तो एक इंसान अगर प्रोडक्शन करता है दौलत की ताकि वो कंजप्शन कर सके, ताकि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो वो जो ह्यूमन बिहेवियर इख्तियार करता है किसी भी तरह का, वो सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, यानी या तो उसकी खिदमत सर अंजाम करेगा, कोई ना कोई काम करेगा, उसके ज़रिए पैसे कमाएगा, कोई उसके पास नॉलेज होगी, या तो वो कोई चीज़ बनाएगा, गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसके ज़रिए वो पैसे कमाएगा और उसके बाद वो खर्च करेगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़, जो बिहेवियर वो इख्तियार करता है, जो सरगर्मियाँ उसके पास होती हैं, जो लोग मुख्तलिफ लोग दुनिया में जितनी भी सरगर्मियाँ इख्तियार करते हैं, उस बिहेवियर उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके बिहेवियर को स्टडी का नाम ही इकोनॉमिक्स को दिया गया है। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं इस सब चीज़ों की जब आप स्टडी करेंगे तो दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ये आप इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारनामा प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल का माना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पायनियर न्यो क्लासिकल इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट कहा जाता है, और नो डाउट उनका ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो अब हम अगर नेक्स्ट वन पर आ जाएं तो क्या डिफरेंस है। अच्छा, हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोफेसर अल्बर्ट मार्शल की जो बुक है उसका भी आपको बुक का रिव्यू दिखाऊंगी यहाँ, यानी उसका नेम और कब पब्लिश हुई और आगे जो डेफिनेशंस हैं बाकी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस प्रोफेसर ने भी दी हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स की भी हैं आगे डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन है और वो क्यों है। यानी आप ये देखें कि डेफिनेशंस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और उसमें जो मॉडिफिकेशन आती जा रही है वो अकॉर्डिंग टू एरा है, अकॉर्डिंग टू नीड बेस है। इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरीके से आगे उसमें अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं नीड्स के मुताबिक आपकी। तो डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल में मैं आपको बताना चाहूँगी। क्लासिकल मीनिंग इन इंग्लिश में आप जब देखेंगे तो क्लासिकल जितनी भी चीज़ें हैं पर्टेनिंग टू द एंशंट ग्रीक एंड रोमन्स, अब ये कदीम यूनानी और रोमन जो हैं ये उससे ताल्लुक है, स्पेशली टू ग्रीक और रोमन ऑथर्स ऑफ द हाइएस्ट रैंक और द पीरियड वेन देयर बेस्ट लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस्ड द एंशंट ग्रीक और रोमन और रेंडर्ड फेमस बाय देयर डीड्स। अब उस दौर में, उस 17th सेंचुरी के एंशंट कदीम यूनानी रोमन दौर में जितने भी लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, आप मतलब ये उसको ऐसा समझ रहे हैं कि जितने भी डीड्स हुए हैं वो तमाम के तमाम क्लासिकल में काउंट होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लासिकल, रिलेटेड टू द फर्स्ट क्लास और द रैंक स्पेशली इन द लिटरेचर और आर्ट। अब यहाँ पर लिटरेचर और आर्ट की बात है तो यहाँ इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी, इंशाल्लाह इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल एंटिक्विटी, ऑल्सो द क्लासिकल एरा, क्लासिकल पीरियड और क्लासिकल एज, ये जो टाइम और पीरियड है वो ग्रीको रोमन वर्ल्ड कहलाता था, जो 17th सेंचुरी थी, उससे पहले के लोग थे जिन्होंने भी ये बड़े बड़े कारनामे किए, ये सब तभी इसको क्लासिकल जो है वो एक्सपर्ट कहा जाता है। प्रोफेसर एडम सिम्पो और उन्होंने जो व्यू दिए हैं वो क्लासिकल व्यू हैं उनके। एंड न्यू क्लासिकल, द फाइन आर्ट्स और रिलेटिंग और डेसिग्नेटिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर डेवलप्ड प्रिंसिपली फ्राम द मिड 18th थ्रू द मिड 19th सेंचुरी। अब देखें जो 18th से 19th सेंचुरी के दरमियान जो इनोवेशंस हुई हैं उन कामों में जो क्लासिकल थे, उन कामों में जो पहले काम हो चुका था उनमें जब उन्होंने इनोवेशंस जदीद उनको किया इन्होंने, तो वो आपके न्यो क्लासिकल हो गए। आप मतलब इसको इस तरीके समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी और याद भी रहेगा आपको। तो इकोनॉमिक्स को ईजाद हुए आज तक तकरीबन 244 साल हो चुके हैं, 244 ईयर्स लेटर, यानी ये पहले ईजाद हुई थी और अब तक इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से इतना आज तक के लिए ये लेक्चर काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह इंतज़ार करूँगी कि आपको मेरी जो
कोशिश है ये किस हद तक समझ में आई, और मैंने बहुत ज़्यादा बेसिकली से स्टार्ट किया है ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएं, ताकि इसी बेस पर हम आगे इकोनॉमिक्स को पढ़ सकें। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये जब आप समझ लेंगे तो आगे आपको मेरे लेक्चर समझने में इंशाल्लाह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आती है आपकी एमसीक्यूज़ की। अब आप इसी में से ही एमसीक्यूज़ बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कमीशन के स्टूडेंट्स के लिए भी यही सेम बात मैं कहूँगी कि जो है शुरू में आप देखें कि इकोनॉमिक्स क्या है डायरेक्टली, तो स्टडी ऑफ वेल्थ इसको आप कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। और इसके बाद हमारी बेसिक नीड्स, ये इसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक नीड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नेसेसिटीज़ में क्या हैं। तो बेसिक नीड्स में अगर आपको वैसे याद करने में मुश्किल हो तो आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं जैसे भुट्टो का नारा था, रोटी कपड़ा और मकान, बड़ा ज़बरदस्त मतलब उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ज़रूरी नहीं आप किसी को वर्बली बोलें, ये आपने बैकअप माइंड में रखना है, बोलना आपने फूड क्लॉथ एंड शेल्टर ये, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कहीं रेशनलिज्म का मसला हुआ तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ याद करवाने की वजह से ये बात कह रही हूँ कि आप इस तरीके से इसको याद कर लें कि रोटी कपड़ा और मकान, ये फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या है ये मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। तो इसके बाद आपकी ज़रूरियात क्या क्या हैं उसको आप देख लें, फिर आसाइशें क्या हैं, इकोनॉमिक्स किस बारे में हैं और आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हैं, आगे आपकी डिज़ायर्स हैं जो ह्यूमन वांट्स हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इसके बारे में, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में है, किल्लत हमारे पास बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज की, और जो है वांट्स हमारी बहुत ज़्यादा। ओरिजिन का भी सवाल आ सकता है कि ये किस लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब क्या है, इस हवाले से आप इसको याद कर लें, और इसके फाउंडर के बारे में, इनके फाउंडर कौन थे इकोनॉमिक्स का फाउंडर, और ये कब ईजाद हुई थी, इसको अब तक कितने साल हो चुके हैं। मैं बता चुकी हूँ कि 244 ईयर्स जो है पहले ये ईजाद हुई थी, इसके फाउंडर प्रोफेसर एडम स्मिथ थे, और साइंस को समझने के हवाले से मैंने आपको थोड़ी सी मिसाल भी दे दी। और यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको बताना मिस कर गई हूँ वो ये है कि अगर हम वेल्थ देखें, साइंस ऑफ वेल्थ, तो ये वेल्थ हैज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो वेल्थ है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वेल्थ का मतलब सिर्फ दौलत का मतलब पैसा नहीं है, यानी वो चीज़ें जिससे आप पैसा हासिल करें वो भी तमाम दौलत ही कहलाती हैं। और प्रोफेसर एडम स्मिथ का कहना भी यही था कि जो है वो अकवाम की जो दौलत का उन्होंने मुताला किया था, तो उसमें उन्होंने ये देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास कितने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल कितना है इनके पास, लोग कितने हैं काम करने वाले वहाँ मौजूद, किस तरीके से काम करते हैं। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, हम कहाँ कह सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी के पास मनी है तो वो भी दौलत ही कहलाएगी, प्रॉपर्टी भी आपकी दौलत ही की कैटेगरी में आती है। गुड्स एंड रिसोर्सेज हैविंग, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अशिया मौजूद हैं, कोई रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसके ज़रिए आप दौलत कमा रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली आपके पास दौलत ही है। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज और यूज़, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, किसके पास कोई कीमती चीज़ है, वो अगर उसको एक्सचेंज करता है और उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ जो है वो वेल्थ ली जा सकती है, द एग्रीकल्चर वेल्थ ऑफ द रीजन। जैसे किसी भी रीजन के लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ की दौलत है, क्योंकि उसके ज़रिए दौलत कमाई जा सकती है। तो ये दौलत का ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी, कब लिखी, उसका नाम क्या था, उस बुक को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, और उनके जो तनकीद करने वाले थे, रिफॉर्मर्स थे, वो कौन थे, उनके नाम क्या थे, और उन्होंने किस तरीके से किन अल्फाज में उस पर जो है वो तनकीद की, मीन्स उसे डिसमल एंड पिक साइंस कहा या टीचर सेल्फिशनेस उसे कहा, और उसके बाद न्योक्लासिकल जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने डेफिनेशन दी, उनका ताल्लुक कहाँ से था, उन्होंने कौन सी बुक लिखी, और उसके बाद उनकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि उन्होंने वो जो डेफिनेशन दी उसका मकसद क्या था। डेफिनेशन, क्योंकि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का डिफरेंस था, इस वजह से आपको ये भी पता चल गया कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल में फ़र्क क्या है। और यहाँ ये भी देख लें, सेकेंड डेफिनेशन बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने जो बुक लिखी वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थी, और वो उन्होंने 1890 में उन्होंने उसको जो डिफाइन किया वो इन अल्फाजों में था, इन 1819 अल्फर्ड मार्शल स्टेटेड दैट द इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। देखें इन्होंने एकदम से स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी अगर आप किसी भी इंसान
को स्टडी करते हो कि इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी इंसान की वो स्टडी जिसमें वो आम रूटीन में जो कारोबारी ज़िंदगी वो गुजारता है उसकी अगर हम स्टडी करें, उसका मुताला करें कि वो किस तरीके से सरगर्म है, इट एग्जामिन्स देयर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल. अब ये इकोनॉमिक्स जो है वो उसको इंडिविजुअली भी उसकी स्टडी करती है एंड सोशल एक्शन और वो जो बाहर सरगर्मियाँ करता है विच इज़ मोस्टली क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विथ यूज़ ऑफ मटेरियल कैपेसिटीज ऑफ वेल बींग, वो अपनी फलाह के लिए, अपनी बहबूद के लिए, अपनी ज़रूरियात के पूरे करने के लिए जितनी भी सरगर्मियाँ करता है इंडिविजुअली या लोगों के साथ इंटरेक्ट होकर, वो तमाम सरगर्मियाँ आपकी इकोनॉमिक्स की स्टडी में शामिल होती हैं. इट इज़ वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, एक तरफ तो ये दौलत का इल्म है, एंड ऑन द अदर साइड स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बेस्ड ऑन वेल्थ. अब ह्यूमन की भी स्टडी करता है, ह्यूमन वेलफेयर की, लेकिन ये रूहानियत से नहीं करता. यानी उन्होंने इस वजह से आपको बेस्ड ऑन वेल्थ कहा है कि वेल्थ के, वेलफेयर के बहुत सारे तरीके हैं. वेलफेयर आप फलाह बहबूद के काम किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो वो फलाह बहबूद जिसका ताल्लुक वेल्थ के साथ हो. तो ये इसकी डेफिनेशन भी जो है वो पूरी हो गई यहाँ पर. और आगे जो है डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी. अब इन्होंने अगर दोनों ने प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है उसमें फ़र्क देखें क्या है. फ़र्क है, क्लासिकल स्कूल एम्फेसाइज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द की फोकस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. अब ये देखें कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब क्लासिकल की डेफिनेशन जहाँ तक थी तो वहाँ वो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर ही एम्फेसिस कर रहे थे कि अगर चीज़ें पैदा की जाएं, अशिया पैदा की जाएं या जो खिदमात हैं वो पैदा की जाएं, उसका फोकस था इकोनॉमिक एनालिसिस पर, मुआशियात की जितनी भी तज़िया था उस पर था. लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन हाउ इंडिविजुअल ऑपरेट्स विद एन इकोनॉमी. देखिए, हमने प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल की जब डेफिनेशन पढ़ी तो उनकी इंडिविजुअल पर भी उनका फोकस है कि आखिर अलहदा अलहदा लोग इनफरादी तौर पर किस तरीके से जो है वो सरगर्म रहते हैं. एज सच द न्यू क्लासिकल स्कूल एम्फेसिस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द की फोकस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. जो चीज़ें आपके पास नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें अपने मुल्क में पैदा करें या अपने यहाँ पैदा करें, आप उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं. जो आपके पास ज़्यादा है वो आप रद्दो बदल करें, जो आपके पास ज़्यादा है वो आप दे दें, जो आपके पास नहीं है वो उनसे लें जिनके पास वो वाफर मकदार में मौजूद हैं. इस तरीके से भी जो है वो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं और आप अपनी लग्जरीज में जा सकते हैं. यानी जो न्यू क्लासिकल है उसकी थाट उससे थोड़ा सा इनोवेट करके और मॉडर्न थाट में आ जाती है. तो ये जो है इंशाल्लाह आपको समझ में आ चुका होगा और एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको रिव्यू कर दिए कि इस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो आपके एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे. और अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी इस दुआ के साथ कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो करूँगी, इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसके साथ अगर आपको ये तमाम चीज़ें मेरी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ. सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हेल्पफुल हों आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी कमीशन की प्रिपरेशन में. और वो लोग जो इसको समझना चाह रहे थे या उनको पता नहीं था, आइडिया नहीं था, लेकिन अब अगर इस चीज़ से उसको आइडिया हो रहा है तो दैट्स वेरी नाइस. और आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.